कर रहे हैं, किसान जो हैं, व्यापारी हैं, जो पेशा कर रहे हैं, प्रोफेशन में हैं, जो कोई छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, उन्हें सही माने में पता नहीं है कि उनके अपने धर्म के हिसाब से, विश्वास के हिसाब से कैसे वो कारोबार किया जाए। पूरे देश में इंस्टीट्यूशन बनाना फैसला लिया गया है, जिस तरह से एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जाता है उसी तरीके से इन व्यापारियों को, पेशावरों को, किसानों को सही तरीके से, इस्लामिक तौर तरीके से, धार्मिक तौर तरीके से, ईमानदारी से कैसे कार्य किया जाए, नौकरी कैसे किया जाए, इसकी उन्हें जानकारी दी जाएगी। और डॉक्टर साहब ने हमने सारे ऑब्जेक्ट्स बताए जो पसंद आए, इस वजह से हमने फोटो खींच के विशेष सहयोग देने के लिए कहा हर उन लोगों को जो जो है वीक है और उनको कानूनी सहायता नहीं मिलती है, वो अपने हक का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उनको पूर्ण रूप से सहयोग दिया जाएगा और हर स्तर पर ऐसी कमेटी बनेगी। इसका एक ऐप भी मोबाइल पे दिया जाएगा जिसपे जहाँ भी कोई चाहे तो उसको कंसल्ट कर सकता है और कंसल्ट करने के बाद उनको एडवाइस किए जाएंगे कि किससे मिले और क्या काम हो सकता है। मगर जिले स्तर पर, सामाजिक स्तर पर अगर रहता तो हमें ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें इस पे हाथ डालने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें किसी से प्रतिद्वंदिता नहीं करनी है। जो जगह खाली है, जो जरूरत है समाज की, उसे हमें पूरा करना है। ऐसा इस देश में कोई संगठन नहीं है जो मुस्लिम समाज को हो या किसी समाज को, उन्हें सही तरीके से जिस भी विश्वास या बिलीफ को करता है उसकी ट्रेनिंग देता हो, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है देश में। ये एक एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम की तरीके से हर समुदाय को उनको ट्रेनिंग देना चाहती है कि यह आपके धर्म के हिसाब से ये ठीक है, ताकि समाज में कोई टकराव ना हो। नहीं, आपको जानकारी कब नहीं है ना, आपको जानकारी हम बता दूं, ये बोर्ड बना है 10 अगस्त 10 फरवरी को 2018 में, उनका बाद में बना है। अगर ये कहेंगे तो उनको समर्थन हमें देना चाहिए था, अब आप लोग नहीं पहुंचा रहे तो हम क्या करें भाई, आप लोग नहीं। 10 तारीख हम लोगों ने अनाउंस किया था, पत्रकार बंधु थे, अब आपकी जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकता, मैं कह सकता हूँ पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी। अब मैं किसको इसको बेच दे, वो सीनियर कैसे हो सकता है बताओ। अच्छा, किसका सामना करना चाहना, वो सीनियर मौलाना हम नहीं मान सकते भाई, वो तो अल्लाह की बात नहीं कर रहे हैं। शरई शूरा तीन तलाक की बात मैं नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ कि सही जानकारी देना, सही हम जानकारी देने की। मैं आलिम नहीं हूँ, फिर मैंने बताया, रिपीट कर दूं, मैं रिपीट कर दूं, मैं तीन तलाक का क्या फतवा है, क्या मतलब है, कैसे करना चाहिए, क्या रिलीजियस व्यू है, ये तो उलमा बताएंगे। पीस पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं यही कहूंगा कि मुसलमानों के तलाक की बात करने से पहले मोदी जी को यशोदा बेन के प्रॉब्लम को पहले सुलझाना चाहिए। मैं ये कहूँगा, मुसलमानों के बेटियों की दिक्कत समझने से पहले यशोदा बेन की दिक्कत उन्हें पहले समझ लेनी चाहिए, उसे ठीक कर लेनी चाहिए। मैं यही कहूँगा, एक अगर आम इंसान की बात करेंगे तो मैं तो यही कहूँगा भाई। मुसलमान ने जाके कहा उसे दिक्कत है, महिलाओं ने कहा, मुसलमानों ने कहा, किसने, मुस्लिम महिलाएं यहाँ प्रोटेस्ट करती नजर आ रही है, जी पे प्रोटेस्ट हो रहा है, बता रहे हैं। तो उनको पारिवारिक सुख मिल गया होता, अगर मेरी बेटी होती तो मैं चाहता उसको पारिवारिक सुख मिले, उनके पति का सुख मिले, तलाक हो जाता तभी मिल सकता है, तो मैं तो चाहता भाई, तब तो मैं तलाक के फेवर में हूँ। लाहौर का मैं कोई जवाब मुस्लिम पर्सनल लोग, अरे पर्सनल लॉ बोर्ड एक सूरज है जो रोशनी दे रहा है पूरे दुनिया में, तो
तो क्या हम अपने घर में चिराग न जलावे? आप बताओ भाई, आप बताओ, चिराग जलाऊं कि न जलाऊं, क्या अंधेरे में रहूं? अगर हमारे घर में सूरज की रोशनी नहीं आ रही है तो मैं चिराग जला लूं? अभी आपने कहा कि तो हमने बताया कि ये तो एक दीपक है जो घर में चिराग जलाने का प्रयास कर रहा, सारे घरों में जलाने का प्रयास कर रहा जहां जहां अंधेरा है। सिविल राइट फोरम के लोग उन्हें कानूनी सहायता देंगे, कानूनी बातें बताएंगे कि इस देश का संविधान और कानून क्या कहता है। शरई शूरा कमेटी के मौलाना शाहिद साहब सल्फी लखनऊ, मोहम्मद फैजुल साहब लखनऊ।